प्रशासनिक कार्रवाई देखो, बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार से। हमारी ग्राम संजय पाल ब्रह्मपुरी रावली महदूस से प्रधान पद के दावेदार के रूप में उभर कर सामने आने वाला वह चेहरा है जो आप सभी के गांव के विकास का अरमान दिल में संजोए हुए वर्षों से आपके सहयोग का इंतजार कर रहा है। आप सभी का एक साथ ही एक बार फिर बदल देगा गांव की तस्वीर। उसको यहां का प्रधान संजय पाल प्रधान पद उम्मीदवार ने कहा है कि रावली महदूद का वास्तविक स्थायी निवासी मात्र 15,000 से अधिक नहीं है, लेकिन करीब 1.5 लाख बाहरी व्यक्ति यहां आकर बिना किसी रजिस्ट्रेशन या सत्यापन की रह रहे हैं। उन्हीं की आड़ में कई वर्षों से लोग जीतते आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यदि जनता ने सिर्फ एक बार मुझे मौका दिया तो मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा इस मामले की जाँच कराऊंगा, ताकि सच जनता के सामने होना चाहिए। तालाब के संबंध में पत्रकारों से बातचीत के दौरान श्री पाल ने कहा है कि गांव का तालाब 18 बीघे का था, जो आज मौके पर सिर्फ 8 बीघे बचा है। आप इसी तरह सही व्यक्ति को ना चुनने की भूल करते रहे तो 8 बीघे का तालाब भी भ्रष्टाचारी की भेंट में चढ़ जाएगा। श्री पाल ने जनता से अनुरोध किया है कि एक बार सच पर यदि भरोसा है तो मुझे जरूर अपना सहयोग प्रदान करें। उस जनगणना का जो रजिस्टर होगा उससे मेंटेन सब हो जाएगा। धन्यवाद। जो जोहड़ का मामला है, मैं मनरेखा के तहत उसका सुंदरीकरण करा करके चारों तरफ से पटरी बनवाऊंगा 15-20 फुट की, और उस पर चारों तरफ से चार लाइटें लगाऊंगा, और उस पर बैठने के लिए एक जैसे पार्क कहते हैं ना, उसके लिए ब्रांच डलेगी वहाँ पे, और उसके बराबर में एक मैं जो है उसका गंदा पानी निकलवा करके वहाँ पे एक बोरिंग कराने का कार्य करूँगा। उस बोरिंग से एक शुद्ध पानी जोहड़ के अंदर जाएगा। जो पानी सिडिकुल और रावली महदूद का गंदा पानी यहाँ पर आ रहा है, वो उसका नाला बनवा करके बाहर से बाहर उसकी एंट्री करूँगा। इस जोहड़ के अंदर एक मछली पालन के रूप में एक लीज पर चला जाएगा, जिससे हमारे गाँव का राजस्व बढ़ेगा। उस राजस्व का पैसा जिस तरीके से हमारे यहाँ चोरी चकारी हो रही है, मैं अपनी ग्राम पंचायत के अंदर अपने कार्यकाल में यहाँ 5-6 गनर के रूप में, गार्ड के रूप में पहरेदार छोड़ने का कार्य करूँगा। क्यों? अभी चोरियाँ बहुत हो रही है, किसी की मोटरसाइकिल चोरी होगी, किसी की जो गाड़ी के पहिए निकाल लिए, किसी की गाय खोल ली। जब चौकीदार रहेंगे गांव के अंदर, तो हमारे गांव के जो व्यक्ति घर में पड़ के आराम से सोएंगे और चौकीदार यहां पहरा देंगे, तो उसकी तनख्वाह उसी से निकल जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि कहीं बाहर से हमें पैसा लाना पड़ेगा। मजरी में बना हुआ है, उस पर आज भी लिखा हुआ है रावली महदूद ग्राम पंचायत का नाम। अब बात करता हूँ मैं स्वच्छ उसकी चिकित्सा की बात यह है कि हमारे गांव में थोड़ी सी ज़मीन छोटे छोटे टुकड़े में पड़ी हुई है, पहले भी एक चिकित्सा स्थान छोटा सा बना हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि मुझे जनता जनार्दन का जिस प्रकार से आशीर्वाद मिल रहा है, तो वहां एक मैं डिस्पेंसरी बनाने का कार्य करूंगा, जिसमें 24 घंटों यहां पे एक डॉक्टर उपलब्ध रहेगा। हमारे गांव की जो बहनें हैं, जो माताएं हैं, जो भाई है, जो बुजुर्ग है, उनके जो भी खांसी जुकाम सर दर्द का जो भी कार्य होगा वो वहीं से उनकी पूरा हो जाएगा। यहाँ पे जैसे देखा जाए इंडस्ट्रियल एरिया है काफ़ी, वहाँ स्थल की आप कोई प्रस्ताव है, यहाँ पे कोई बरात घर है कोई ऐसा? देखो हमारे बहुत अच्छी बात कही है पत्रकार बंधु आप लोगों ने, हमारे यहाँ एक जगह है हमारे ब्रह्मपुरी में ही, जहाँ द्वारका बनाया गया है पूर्व प्रधान के द्वारा, वहाँ पे शिव मंदिर के पास एक करीबन 3-4 बीसी एक जमीन पड़ी हुई है, और उसमें अगर वो लोग चाहते, मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहूँगा, तो उस द्वारका को काट करके सबसे पहले उस वहाँ पंचायत घर बनाने का कार्य करते, उसमें हमारे आंगनवाड़ी बच्चे भी बैठ सकते थे, हमारी माताएं बहनों की वहाँ सगाई भी हो सकती थी, हमारे घरेलू झगड़े भी निमट सकते थे, और हमारे दुख दर्द के कोई भी या कोई बाहर का व्यक्ति आता तो वहाँ सो भी सकता था। और मैं अपने कार्यकाल में मैं अपने ग्राम पंचायत वासियों से वादा करता हूँ कि सबसे पहले मैं शिव मंदिर से आशीर्वाद और घुमियाखेड़े से आशीर्वाद लेकर के मैं सबसे पहले पंचायत घर बनाने का कार्य करूँगा, क्योंकि यहाँ ज़मीन है। फिलहाल की स्थिति अगर आप देखोगे तो खंडर पड़ा हुआ है, जानवर वहाँ घूम रहे हैं, और वहाँ धार्मिक स्थल भी है। तो मैं ये भी देखता हूँ कि उस जानवर को घूमने से उनका धार्मिक स्थल का एक अपमान भी माना जाता है। आप रोक सकते हो, क्योंकि इस समय जो हमारे युवा है, जिनको पढ़ना लिखना चाहिए था, पढ़ लिख के कोई अधिकारी बनना चाहिए था, वो आज एक स्माइक की तरफ, एक नशे की तरफ जा रहे हैं। उससे हमारे गांव की एक कमजोरी हो रही है, और हमारे घर घर से ये मान के चलो आपकी हमारे जो युवा है एक बर्बादी की ओर जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या कहना चाहेंगे और चिकित्सा के क्षेत्र में? देखो शिक्षा की बात मैं करता हूँ, शिक्षा के प्रति मैं बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि मेरे भी बेटे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, और जिसे मेरा गांव है, सभी के बच्चे मैं चाहता हूं कि वो वास्तव में यहां शिक्षा ग्रहण करें और यहां से बाहर पढ़ने के लिए ना जाए। लेकिन यहां पे हमारे पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि हम यहां कोई इंटर कॉलेज ले आए, या हमारे पास कोई ऐसी ज़मीन नहीं है जो हम इंटर कॉलेज लाए। लोग वादे कर रहे हैं, वादे बहुत करते हैं, लेकिन काम नहीं करते, क्योंकि
2000 ये मान के चलो आप प्रस्ताव की अगर बात करते, 2 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए होती है और हमारी पंचायत के अंदर वहाँ 2 बिस्से ज़मीन बनी है, तो स्कूल कैसे बन पाएगा। हरिद्वार से ब्यूरो रिपोर्ट, रणविजय कुमार।